बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे से आइडियाज़ लेके आई हूँ अपनी उन सिस्टर्स के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो कि क्रोशी का काम करती हैं घर पर बैठकर। उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे से आइडियाज़ हैं, वो यहाँ से पिक्स दिखाकर, हमारी वीडियोस दिखाकर आप अपने कस्टमर्स को भी यानी कि डिज़ाइन यहाँ से दिखा सकते हैं और इस तरह का फिर उनको आप बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं, यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया ले सकते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे से आइडियाज़ लेके आती रहती हूँ उन मेरी प्यारी सिस्टर्स के लिए जो कि घर पर बैठकर अपना रोज़गार कमाती हैं और क्रोशिए का काम करती हैं। इनको आप हाथ के क्रोशिए से भी आप लोग इनको बना सकते हैं, या फिर इनकी मशीनें भी होती हैं, क्रोशिया मशीन भी होती है, उनसे भी बना सकते हैं। और इस तरह से आप लोग फ्रॉक्स के साथ छोटे छोटे शूज़, हेयर बैंड एंड थोड़े छोटे छोटे से पर्स या क्लच जो बोलते जो भी बोलते हैं आप लोग, वो बच्चियों को बना के दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जो कि बच्ची होती है वो 1 साल से कम उम्र में, तो उसके लिए आप शूज़ बनवा सकते हैं। बाकी बड़ी बच्चियों के लिए तो फिर उन्होंने चलना होता है नीचे, तो फिर उनके लिए तो वो ठीक नहीं रहते। तो आप छोटी बच्चियों को जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, उनके लिए आप शूज़ भी बनवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये आइडियाज़ बहुत ही पसंद आए होंगे सब सिस्टर्स को, और आपका कलर कॉम्बिनेशन भी पसंद आए होंगे और डिज़ाइनिंग आइडिया भी आपको पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट से, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।